और अब बात एक उस वारदात की जो यूपी की एक महिला के साथ राजस्थान में हुई। एक महिला यूपी से मन्नत मांगने के लिए ख्वाजा नगरी अजमेर पहुंचती है और एक गेस्ट हाउस में रुकती है, लेकिन यहां उसके साथ जो वारदात होती है वो उसकी जिंदगी में एक बार फिर भूचाल ला देती है। वो कहती है कि गेस्ट हाउस मालिक उसकी जिंदगी संवारने का भरोसा दिलाता है और फिर उसकी असमत से खेलता है। आरोप है कि आरोपी के प्रेम जाल में फंसकर वो उसे मोटी रकम भी दे चुकी है और इतना ही नहीं अपना धर्म भी बदल लेती है। हैरत में डालने वाली एक रिपोर्ट अजमेर से। कहते हैं कि अगर बिना जानकारी किसी पर भरोसा किया जाए तो वो नुकसान भी दे सकता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने पति से तलाकशुदा ये महिला यूपी से यहाँ पहुँचती है, लेकिन इसके तीन बच्चे इसके पति के पास ही रहते हैं, और फिर ये अपने बच्चों को हासिल करने की आस में मन्नत मांगने के लिए अजमेर पहुँचती है। बच्चों का संरक्षण पाने के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है, लेकिन ख्वाजा नगरी अजमेर से भी उसे उम्मीद थी और इसी कारण ये अजमेर पहुँच गई। लेकिन यहाँ इस महिला की असमत के साथ खिलवाड़ हो गया। सामने आया है कि महिला 19 अप्रैल 2015 को अजमेर दरगाह जियारत के लिए आई थी। इस दौरान वो दरगाह बाजार में ही स्थित अल्ताफ गेस्ट हाउस में रुकी थी। जिस अल्ताफ गेस्ट हाउस में वो रुकी थी उसके मालिक मोबिन पर उसने दुराचार करने और रुपये ठगने का आरोप लगाया है। दरअसल तलाक से पहले भी वो अजमेर आई थी, तब भी ये इस दरगाह में परिवार के साथ ठहरी थी, मगर अब जब तलाक के बाद वापस इस गेस्ट हाउस में आई तो असमत के साथ साथ मोटी रकम भी कमा चुकी है। जैसे कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो 100% उन्होंने मुझे बहला फुसला के अपने बातों में लेके ओनली फॉर अपने हवस को पूरा किया, और उसके बाद उन्होंने चीट किया। तो जो 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 सबके लिए नियम और कानून होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, वो सीधे जाए अंदर। और सब कुछ अल्ताफ गेस्ट हाउस में ही हुआ था, लेकिन मैं इसे नहीं बता सकती कि ये क्या है। जी नहीं, बस ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से चोट आई थी, मैं इसके बारे में कुछ ओपनली नहीं बता सकती। पीड़िता का आरोप है कि 20 अप्रैल 2015 को गेस्ट हाउस में मोबिन उसके कमरे में आया। मोबिन ने उससे बात की और उसके पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानकारियां जुटा ली। साथ ही उसने पीड़िता को हर मुश्किल में उसके साथ देने का भी भरोसा दिलाया। पीड़िता का आरोप है कि उसी दिन शाम को मोबिन फिर कमरे पर आया और उससे सिंदूर लाने की बात कही। पीड़िता के सिंदूर लाने पर मोबिन ने उसके सर पर सिंदूर लगाया और उसे पत्नी बनाने का भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद उससे वो वारदात की गई जो अब वो शायद ही कभी भूल पाए। हालांकि अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश चल रही है। दरगाह थाने में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें महिला ने आरोपी के विरुद्ध 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और माननीय न्यायालय में भी उन आगे बयान करवाए जाएंगे और मेडिकल करवा के जो भी अनुसंधान में आगे प्रगति है वो की जाएगी। अपने पति से तलाक होने के बाद अपने तीन बच्चों की परवरिश को पाने की दुआ मांगने के लिए वो अजमेर आई थी, लेकिन यहाँ आकर वो वारदात का शिकार बन गई। एक गेस्ट हाउस के मालिक के उस पर उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अजमेर पुलिस पीड़िता के बयानों की कितनी सच्चाई सामने लाती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
कैमरामैन कौशल सेन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर।